नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। सोचिए कि आप रोडवेज बस में सफर कर रहे हो और बस में सवार हो करीब 100 मुसाफिर, जाहिर है क्षमता से दोगुने, और बस की रफ्तार ओवर लिमिट, ड्राइवर शराब के नशे में, और अगर आप उससे कहते हैं कि भैया बस ठीक से चलाओ, और फिर अगर जवाब मिले जिसे उतरना है वो कूद जाए, बस तो यूं ही चलेगी। अब आप कल्पना कीजिए कि उस वक्त आपकी और दूसरे मुसाफिरों की हालत कैसी होगी। दरअसल ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत की वो तस्वीर है जो मंगलवार देर रात जयपुर के बस्सी इलाके में सामने आई। चलिए अब आपको पूरे वाक्य से रूबरू कराते हैं। एक डरावना वाक्य। दरअसल खबर है कि धौलपुर डिपो की एक बस रोडवेज में कॉन्ट्रैक्ट पर लगी हुई है। मंगलवार रात करीब 11:30 बजे जयपुर के सिंधी कैंप से बस रवाना होती है। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर बस्सी और उससे पहले भी सवारियों को बस में बिठाया गया। बस में क्षमता के दोगुने यात्रियों को बिठाकर ड्राइवर स्पीड में हाईवे पर बस दौड़ाने लगता है। हाईवे पर लहराती हुई बस को देखते हुए यात्री भी डर गए। जाहिर सी बात है कि हर मुसाफिर केवल डर रहा था, कांप रहा था। इस पर यात्रियों ने टोका तो बस ड्राइवर देवेंद्र, जिसका नाम बताया गया है, वो बोलता है कि जिसे परेशानी हो रही है वह बस से कूद जाए, बस तो ऐसे ही चलेगी। अब सोचिए कि उस वक्त बस में सवार मुसाफिरों की हालत कैसी होगी। खैर, जब ड्राइवर पर दबाव बढ़ने लगा, पब्लिक ने चिल्लाना शुरू किया, मुसाफिर चिल्लाने लगे, तो उसने बस को साइड में खड़ा कर दिया, लेकिन वो खुद बस से कूदकर फरार हो जाता है। जाहिर सी बात है कि पब्लिक को भी गुस्सा आना ही था, क्योंकि वो मौत के मुंह से बचे थे। अब जब ड्राइवर फरार हो गया तो मुसाफिरों का गुस्सा किस पर निकलता? कंडक्टर पर। कंडक्टर बोला कि ड्राइवर नशे में था, तो फिर पब्लिक ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। खैर, मामले की जानकारी पुलिस को मिली तो खाकी का लवाजमा भी वहां पहुंचा और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया। अब हालांकि ये तो ठीक है कि फरार ड्राइवर भी पुलिस के शिकंजे में आज नहीं तो कल आ जाएगा, लेकिन सोचिए कि अगर उस वक्त कोई बड़ा हादसा हो जाता तो फिर तस्वीर कैसी होती। रूह कांप जाती है सोचकर भी। नमस्कार।